गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी आवर सिक्स्थ लेसन एंड द नेम ऑफ द लेसन इज बी रिमार्केबल। बट बिफोर दैट वी विल सी अबाउट द यूनिट आउटकम ऑफ दिस यूनिट। आफ्टर स्टडिंग द यूनिट नंबर टू यू विल बी एबल टू डेवलप योर कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज। इसका मतलब यह है कि ये यूनिट पढ़ने के बाद आप अपनी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज या स्किल्स, आकलन क्षमता या उसका कौशल्य आप में आएगा। देन सिमिलरली आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन एज यूजुअल वी हैव अर्लियर आल्सो स्टडीड फिफ्थ लेसन्स। सो आई थिंक दैट यू विल be able or you could have been able to understand the familiar and unfamiliar content of the passage। आपको उन passages के या अभी जो हम पढ़ने वाला जो lesson है उसका familiar और unfamiliar content बेशक समझ में आएगा। Similarly, you will also able to reproduce the content in your own words। जो कुछ टेक्स्ट इस लेसन में दी है वो आप अपने शब्दों में क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर पाओगे। देन थ्रू द राइटिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट यू विल आल्सो एबल टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स। ओके, सो दीज आर सम स्किल्स एंड एबिलिटीज will develop in yourself। Dear friends, as I told you, the name of the lesson is Be Remarkable। But before discussing this lesson, let me ask you some general questions। And the question is, can a person be successful in life only securing good marks? क्या कोई व्यक्ति सिर्फ अच्छे मार्क्स मिलाने से ही अपने लाइफ में सक्सेस हो सकता है? Then many kind of questions will generate in your mind। No, only securing good marks are not enough to develop the skills or to get the success in life। By developing the distinguished set of skills in ourselves, we can be different from others। In order to get the success, we have to develop some distinguished, some remarkable, some different set of skills, which is called competencies in ourselves। We have to hone different kind of abilities in ourselves, then we can expect that the success will get to us, or on the basis of that we will set our career। Generally certain questions are arise in the mind। General taur pe humko kuch questions se encounter hota hai या कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। व्हाई डू वी स्टडी, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? इज इट टू मेक आवर लाइफ सिक्योर, क्या हम अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए पढ़ाई करते हैं? अपने करियर को सेट करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं? इज इट टू क्रिएट आवर करियर, क्या हम हमारा करियर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं? इज द स्टडी प्रोवाइडर सिक्योरिटी, क्या पढ़ाई हमको सिक्योरिटी सही मात्रा में प्रदान करती है? इसका आंसर होगा इट कैन बी और कैनॉट बी। मतलब पढ़ाई के बदौलत हमारा करियर या सक्सेस सेट हो सकता है या नहीं भी हो सकता। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट दैट what kind of hard work he is taking in his life while studying।
we think seriously, these questions are creating confusions or disappointment in ourselves. जैसे मैंने इसके पहले बताया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन क्वेश्चंस के बारे में जब हम सीरियसली सोचते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स और निराशा निर्माण होती है. समटाइम्स दिस क्वेश्चंस आर प्रोवोकिंग फियर और टेरर. कभी कभी तो ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में डर पैदा करते हैं, टेरर पैदा करते हैं. और समटाइम्स वी कंसिडर दिस क्वेश्चंस एज स्टूपिड क्वेश्चंस. और कभी कभी इन क्वेश्चंस को हम फालतू क्वेश्चंस है ऐसा समझते हुए अवॉइड कर लेते हैं. वी थिंक दैट एज आवर स्टडीज वुड कंप्लीट. कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, द वर्ल्ड विल बी वेटिंग विथ ओपन आर्म्स टू गिव अस ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. कि ये दुनिया मुझे अपनी बाहें पखार के रहा देख रही होगी और जैसी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या बहुत बड़ा बख्शिश मिलेगा. बट डियर स्टूडेंट्स, द ट्रूथ इज वेरी डिफरेंट. रियलिटी इज फार अवे देन आवर थिंकिंग. सत्य कुछ अलग होता है और वो हमारे सोच से बहुत दूर होता है. रियली व्हाट हैपन व्हेन वी टेक द बेसिक एजुकेशन और व्हेन वी स्टडी बेसिकली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर एजुकेशन और स्टडी देर इज अ नीड और देर आर नीड्स ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज. देर आर नीड्स ऑफ स्किल्स to homes. There is a need of getting more and more information along with the great experience. Here we are lagging behind. यही हम कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि whatever demands are in the market in terms of the getting jobs or in terms of getting good salaried jobs, we don't have that kind of skills in ourselves. And that is why the students are getting disappointments. They are getting the disappointments. This is the only reason students are getting disappointments. When they came to know, जब उनको मालूम होता है कि What they have is not enough for the world. उनके अंदर में जो guts है, जो qualities है, या जिस तरह का उन्होंने education लिया है, वो इस दुनिया के लिए पर्याप्त नहीं है. There are needs of extraordinary things. There are needs of the skills. There is a need of great knowledge. There is a need of great information along with the experience that we don't have. And it is the only reason that we are getting disappointments. They don't know what is needed. और हमको मालूम भी नहीं होता कि हमको क्या करना चाहिए, किन चीजों की जरूरत होती है. They don't know. Students don't know what is needed. और व्हाट इज गैप, यानी जो कुछ उसने एजुकेशन लिया है और जो मार्केट में जिस चीज की डिमांड है, इसके बीच में जो गैप है वो कैसी भरी जाए, इसका उसको नॉलेज नहीं होता है. वेयर वी शुड फोकस, किस चीज के ऊपर उसने फोकस करना चाहिए, इसका उसको नॉलेज नहीं होता है. और ना ही कोई उसके पास में या घर में बताने वाला होता है. दोस्तों को उसको जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से उसको प्रॉपर तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती या नॉलेज नहीं मिलता. और यही वजह होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पिछड़ते हैं बाकी स्टूडेंट्स से. इसीलिए व्हाटएवर
the medium through which we are taking the education, whatever the sources through which we are taking the knowledge, but the knowledge or the information should be updated. We should have the keep eye on the demand of markets, the needs of markets, and accordingly we should match or host the skill in ourselves. So we cannot compete with other students. So we cannot compete with other candidates. So dear students, let us discuss some pointers or suggestions and guidelines regarding this. But before that, let me tell you the importance of the study. Study karo ya koi bhi kaam karo. काम इस तरह से होना चाहिए या स्टडी इस तरह से होना चाहिए कि जिस तरह से एक किसान अपने खेती में रात दिन मेहनत करता है, हर समय वो अपने फसल को निकालने के लिए समय समय पे जिन चीजों की जरूरत होती है उसका ध्यान रखता है, उसी तरह से आप जब भी स्टडी करते हो या आप स्टडी कर रहे हो तो उसी तरह से हमारी पढ़ाई भी होनी चाहिए। अगर आप बहुत हार्ड वर्क करके या बहुत मेहनत से आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिन ब दिन आप में नॉलेज की मात्रा, इंफॉर्मेशन की मात्रा या स्किल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स आप में डेवलप होते जाएंगे, आपको अनुभव आते जाएगा और एक दिन यही अनुभव, यही नॉलेज, यही इंफॉर्मेशन आपको सक्सेस मिलाने में बेशक कारगर साबित होगा। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। अ फ्यू ईयर्स एगो ऑर्गेनाइजेशंस आर द इंडस्ट्रीज वेयर फोकसिंग ऑन आईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो कुछ साल पहले यानी 30-40 साल पहले जो इंडस्ट्रीज होती थी या ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करती थी, यानी जिसके ज्यादा परसेंटेज वो सबसे ज्यादा होशियार, और वो जो पर्टिकुलर का एक सेंस है या वो एक प्रकार का जो ट्रेंड है वो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है कि भाई जिसको ज्यादा परसेंटेज वो ज्यादा होशियार। लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गया ये कॉन्सेप्ट भी चेंज होते गए। जो हमारे इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो एचआर होते हैं, जो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, उन्होंने रियलाइज किया, द एचआर ऑफिशियल्स रियलाइज दैट द कैंडिडेट्स विद गुड मार्क्स आर नॉट क्वालिफाइड वर्क आर नॉट क्वालिफाइड आर दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर वर्क। उन्होंने ये रियलाइज किया, ये देखा कि जिनको ज्यादा परसेंटेज होते हैं उनको काम करने का तरीका नहीं मालूम होता और दे आर नॉट एबल टू वर्क फॉर द कंपनी। इन देयर सरप्राइजिंग रिविलेशन दे केम टू नो दैट सम कैंडिडेट्स कुड स्कोर गुड मार्क्स बिकॉज दे हैव गुड मेमोरी रादर देन इंटेलिजेंस। उन्होंने देखा, उन्होंने रियलाइज किया कि जिन कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे मार्क्स है वो होशियार है, इसीलिए उनको अच्छे परसेंटेज मिले ऐसा नहीं है। दे हैव द गुड मेमोरी। अब वो गुड मेमोरी क्या है, उनको याद करने की उनकी जो एबिलिटी है वो बाकी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट से बहुत अच्छी है और इसलिए उनको ज्यादा परसेंटेज मिला। The surprising revelation was that some candidates could score good marks because they have good memory rather than intelligence. Hushar nahi hote wo, they have the good memory with them and that is why they get success to score good percentage. It does not mean they are intelligent. Is it clear? These good memory candidates knew that. They knew very well that how to memorize the subjects better than others. जैसे कि मैंने बताया कि
इन कैंडिडेट्स के पास में अच्छी मेमोरी होने की वजह से उनको मालूम रहता है कि सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसी की जाए और कितने कम समय में आंसर्स को रटा जाए, और इस वजह से वे लोग पढ़ाई कर पाते हैं बिल्कुल एग्जाम के पहले पहले। ओनली इन सम केसेस इट इज अ मैटर ऑफ लक, और कुछ केसेस में सिर्फ ये लक बाय चांस ऐसा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट बोलता है, अरे ये पेपर तो मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था लेकिन मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स है। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड लक बाय चांस, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। हमेशा हमारा हार्ड वर्क ही जीतता है, हमारी हार्ड प्रैक्टिस ही जीतती है, ये हमको ध्यान में रखना है। और ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कम समय में रट्टा मार के अच्छे परसेंटेज मिलाते हैं, ये सच कैंडिडेट्स स्टडी इन द लास्ट मोमेंट्स, जैसे मैंने बताया एकदम लास्ट में पढ़ते हैं एंड मैनेज टू स्कोर गुड परसेंटेज। और यही फिर कैंडिडेट्स अपने दोस्तों को दूसरों को सेम एडवाइस देते हैं। वो एडवाइस क्या देते हैं, दे आर मिसलीडिंग मेनी अदर्स टू डू द सेम, दूसरों को वो गलत तरीके से रास्ता बताते हैं। जैसे यहां एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे एक मूवी का नाम आप सभी लोग जानते हैं, थ्री इडियट्स। आप चतुर रामलिंगन को जानते हैं या आपने वो कैरेक्टर को देखा है थ्री इडियट्स में, राजू रस्तोगी का भी आपने कैरेक्टर देखा है, एंड दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द फ्यूचर। जब भी देखो आपने वो सीन को याद करो कि जब दूसरे लोग पढ़ाई करते हैं तो ये पहले ही रट्टा वेकेशन कर चुका होता है, और एग्जाम के पहले पहले वो सभी के कमरे के बाहर से क्या करता है, वो एडल्ट मैगजीन्स पास करता है उनके कमरे में ताकि वो फेल हो जाए या उनको कम परसेंटेज मिले। सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज हैविंग द कैंडिडेट्स हु इज हैविंग द गुड मेमोरी ऑफ मेमोराइजिंग द सब्जेक्ट्स। इन फ्यू केसेस लाइक रैंचो इट इज रियली गुड अमलगमेशन ऑफ स्टडीज एंड इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग। कुछ केसेस जैसे मैंने अभी बताया, ये बहुत ही ब्यूटिफुल अमलगमेशन एंड मिक्सर होता है। अमलगमेशन का मतलब होता है मिक्सर, यानी हार्डवर्क और इंटेलिजेंस, होशियार की का मिलाप, और ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम हम देखते हैं। एंड दोज हु हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आर द हैबिट दे कैन डू इन देयर लाइफ द वंडर देन अदर कैंडिडेट्स आर देन अदर पीपल। इट वॉज द रीजन दैट द एचआर पीपल रियलाइज्ड दैट मिस्टेक्स आर हैपनिंग वाइल रिक्रूटिंग द कैंडिडेट्स बिकॉज दे आर सिलेक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है कैंडिडेट्स को जॉब के लिए सिलेक्ट करते समय, क्योंकि उनको सिर्फ मार्क के आधार पे सिलेक्ट किया जाते था या स्कोर के आधार पे सिलेक्ट किया जाता था। और यही वजह थी कि ये आईक्यू जो टेस्ट अभी ली जाती है ये शुरुआत हुई। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत की गई। दे गॉट रिजल्ट बट एट दे कंटिन्यूड देयर रिसर्च। उनको अभी अच्छा रिजल्ट मिलने लगा, एचआर जो लोग थे मैनेजर उनको अच्छे कैंडिडेट्स मिलने लगे, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में और अपना रिसर्च करना जारी रखा। एंड बिसाइड्स आईक्यू टेस्ट द ईक्यू टेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाट इज ईक्यू, व्हाट आई टोल्ड यू
In their research, HR people, along with intelligent quotient test, or along with the IQ test, they introduce the emotional quotient test to check the candidates whether the candidate is emotionally stable or not. एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ में उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट इमोशनली स्टेबल है या नहीं है यह चेक करने के लिए इस टेस्ट को उन्होंने शुरू किया। इसमें वो ये चेक करते थे कि कोई भी दिल को लगने वाली जो चीजें या क्वेश्चंस वो पूछते थे इंटरव्यूज में, और इंटरव्यू में जानबूझ के कैंडिडेट्स को प्रोवोक किया जाता है कि ये कितना गुस्सा करता है, ये किस तरह से आंसर्स करता है अगर पर्सनली या पर्सनल लेवल पे इसको क्वेश्चन किया जाए, तो ये वास्तविक रूप से उनको हर्ट करना नहीं होता, लेकिन ये जो टेस्ट होती है ये उसका इमोशनल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। The HR people found that a person who panics, यानी जिसको जो जल्दी टेंस होता है या टेंशन में आता है या जो जल्दी डर जाता है या फिर जो दूसरों से जलता है या फिर जो जल्दी गुस्सा हो जाता है can never work as a team player। उन्होंने इस टेस्ट के माध्यम से ये कंक्लूड किया, ये तर्क निकाला कि जो कैंडिडेट बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता है या बहुत जल्दी डर जाता है या जो दूसरों को जलता है या फिर जो जल्दी गुस्सा हो जाता है वो टीम में काम नहीं कर सकता। दिस वॉज द कंक्लूजन विच द एचआर पीपल ब्रॉट आउट। They discovered that such candidates cannot give their 100% to their own work. वो अपने काम में 100% अपना नहीं दे सकते। They never progress. वो कभी अपनी progress नहीं कर सकते, कभी उनको success नहीं मिल सकती, और ना ही they support for the progress of organization, और ना ही वो किसी institution या किसी organization के प्रोग्रेस के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज फॉर दिस ग्रेट टीम वर्क इज नेसेसरी, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े टीम वर्क की जरूरत होती है, और सिंगल पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, और एक अकेला आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। या ही कैन टेक द क्रेडिट, वो क्रेडिट ले सकता है, लेकिन उसके अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। देर इज ए ग्रेट टीम वर्क, देर इज ए नीड ऑफ ग्रेट टीम वर्क। इज दैट क्लियर? ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ IQ एंड EQ बेटर रिजल्ट गॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ में उन्होंने HR मैनेजर्स लोगों ने जो इंटरव्यूज लेते हैं उन्होंने इसका मिक्सर किया, इसको मिक्स किया कि एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ में इमोशनल क्वेश्चन टेस्ट को भी शुरुआत की, जिस वजह से उनको और अच्छे कैंडिडेट्स मिलने लगे। बट इवन दो द सर्च फॉर द आइडल कैंडिडेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूड, लेकिन इसके बावजूद किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए आइडियल कैंडिडेट कैसे होना चाहिए इसके बारे में रिसर्च चलते रहा। एंड अलोंग विथ IQ एंड EQ SQ टेस्ट वॉज इंट्रोड्यूस, यानी सिचुएशनल क्वेश्चन की टेस्ट की कॉन्सेप्ट आगे लाई गई। वाइल वर्किंग देर आर सर्टन सिचुएशंस वेन द डिसीजंस हैव टू बी टेकन ऑन द स्पॉट। काम करते समय किसी इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में ऐसा
कभी कभी होता है या ऐसी कंडीशंस निर्माण होती है कि डिसीजंस ऑन द स्पॉट विदाउट मोर थिंकिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल आर द अदर कैंडिडेट्स एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन वी हैव टू टेक फाइनल डिसीजन वी हैव टू टेक इंस्टेंट डिसीजन फॉर द बेटरमेंट आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आर द इशू दैट टाइम द रियल टैलेंट ऑफ द कैंडिडेट कैन बी सीन. डियर फ्रेंड्स, वी आर नॉट द डिसीजन मेकर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. वी आर नॉट हैव द पावर आर द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द कंडीशन, बट स्टिल वी हैव टू टेक द डिसीजन एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन. वी डोंट हैव डाटा दैट टाइम. कभी कभी हमारे पास उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पर्याप्त डाटा नहीं होता, बट वी डोंट हैव चॉइसेस. लेकिन हमारे पास में कोई चारा नहीं होता बगैर डिसीजन लेने का. दीज चॉइसेस कैन मेक आर ब्रेक सो मच. या तो इस तरह की सिचुएशन कंडीशन को या आने वाले समय में इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं या फिर बहुत अच्छे इफेक्ट भी हो सकते हैं. ये आपके खुद के विश्वास पे निर्भर करता है, क्योंकि उस समय उस पर्टिकुलर टफ सिचुएशन के समय में आपका आपके ऊपर कितना विश्वास है, कितना अनुभव से आप वो डिसीजन ले रहे हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. राइट. इफ यू फेस विथ एंग्री पीपल, याद रहे, अगर आप किसी गुस्से वाले व्यक्ति से डील कर रहे हो या उसको फेस कर रहे हो, यू मस्ट नो हाउ टू काम डाउन द पर्सन. आपको मालूम होना चाहिए कि व्यक्ति कितना भी गुस्से वाला हो या ऐसे गुस्से वाले व्यक्ति के साथ में अगर आप है, तो आपको उसको उसका गुस्सा शांत करते आना चाहिए. व्हेन यू फेस द ट्रेजेडी, अगर कोई दुखद घटना किसी के साथ में हो जाए या आपके साथ में हो जाए, व्हेन यू फेस द ट्रेजेडी यू मस्ट बी एबल टू एस्टैब्लिश पॉजिटिविटी. तो आपके अंदर वो हुनर या स्किल होना चाहिए कि अपना दुख किसी को ना बताए और आपके साथ में या आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट, उन लोगों में पॉजिटिविटी किस तरह से लाई जाए. इफ यू फेस ह्यूज लॉसेस, अगर आपको बहुत लॉस हुआ है मान के चलो, तो यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू मेंटेन करेज और टू रिकवर फ्रॉम द लॉसेस. आप में वो एबिलिटी होना चाहिए या उस तरह की स्किल होना चाहिए कि अपने करेज को किस तरह से बनाए रखे, किस तरह से मेंटेन करे, या हुआ जो लॉस है उसको कैसे भर के निकाले. गेटिंग अ पॉइंट. सिमिलरली, व्हेन यू फेस द प्रॉब्लम्स, यू मस्ट बी एबल टू नो द रीजंस ऑफ दैट प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस. अगर आप कोई प्रॉब्लम से ग्रसित हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम होने का रीजंस या रीजन जानने की, या उस प्रॉब्लम को किस तरह से खत्म किया जाए या उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाए, ये या इस पर सोच के उसका सॉल्यूशन निकालने की एबिलिटी होनी चाहिए. ओके. इफ यू फेस द क्रिटिकल सिचुएशन, इफ यू फेस द क्रिटिकल सिचुएशन, यू मस्ट बी एबल आर नो अबाउट हाउ टू हैंडल इट स्किलफुली.
अगर मान के चलो आप किसी क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, क्रिटिकल फाइनेंशियल कंडीशंस या क्रिटिकल फैमिली कंडीशंस, देन यू मस्ट हैव द एबिलिटी, यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटीज टू नो अबाउट हाउ टू हैंडल इट, कि उसको स्किलफुली किस तरह से हैंडल की जाए, कैसे वे आउट्स निकाला जाए, कैसे सॉल्यूशंस निकाले जाए, और उस कंडीशंस या प्रॉब्लम्स को या उस क्रिटिकल सिचुएशन को दूर किया जाए. दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी मस्ट डेवलप इन आवर सेल्फ, वी मस्ट, एंड दीज एक्सपीरियंसेस कम ओनली थ्रू टेकिंग पार्ट वेन एवर देर इज ए नेसेसिटी और देर इज ए नीड ऑफ टेकिंग पार्ट. दैट टाइम वी शुड नॉट बी कम बैक और गो बैक, वी शुड एक्टिवली बी पार्टिसिपेटेड देयर, सो दैट दीज एक्सपीरियंसेस आर आर कैन बी यूजफुल इन सच क्रिटिकल सिचुएशंस. Now, dear students, we will discuss some important questions on this discuss portions. First question is, state the full form of IQ, EQ and SQ. We know better. The full form of IQ is intelligent quotient. The full form of EQ is emotional quotient. And the full form of SQ is situational quotient. Situational quotient के बारे में और एक चीज बता दूं कि इंटरव्यू लेते समय जो इंटरव्यू लेने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आपके आगे रखेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई इस तरह से सिचुएशन अगर कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में निर्माण हुई तो आप किस तरह से डिसीजन लोगे. वहां आप एज ए डिसीजन मेकर करके आपकी स्किल कैसी है या आप में कौन सी एबिलिटी है वो देखा जाता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ इमोशनली स्टेबल पीपल. लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ इमोशनली स्टेबल पीपल. The people who are stable emotionally, they do not flow with emotions, first thing. They have the ability to fight with all kind of problems with enough courage. They spread the positivity among the people who are nearest and dearest of him or her with great solutions, with great courage. Okay, they have the capabilities to deal with the situation, to deal with the critical situations. Got it? So same kind of thing we should also develop in ourselves. Then the next question is, state the expectations of HR department from the interviews. Yes, as earlier we have discussed, the candidate should be, of course, intelligent, but along with that, he must be emotionally stable. Simultaneously, he must be decision maker. So these three things are mainly observed in the candidates before selecting or before recruiting. The next important question is, in IQ, the ability of people to solve rather than to remember. Aptitude test लेते समय क्या देखा जाता है कि उसको कितना याद है वो नहीं देखा जाता. वो क्वेश्चंस को या सिचुएशन को या प्रॉब्लम को किस तरह से हल करता है,
किस तरह से डील करता है उस प्रॉब्लम को, किस तरह से सॉल्यूशन उसका निकालता है, ये देखा जाता है। ओके, उसकी ओरिजिनल एबिलिटी को देखा जाता है, उसको डिस्कवर किया जाता है, और उसके बाद में ये सब होने के बाद उसको सिलेक्ट किया जाता है। सो दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर सम कंडीशंस थ्रू विच कैंडिडेट्स हैव टू पास एंड गेट सिलेक्ट इन ऑर्डर टू फॉर गेट द जॉब। सो डियर फ्रेंड्स, हियर वी हैव टेकन हाफ पोर्शन ऑफ द लेसन नंबर 6, बी रिमार्केबल। ऑल्सो वी हैव डिस्कस सम क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू पैटर्न ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल दैट हाउ द स्मॉल आंसर्स फोकसिंगली asked in the examination. Get prepare yourself, okay? And the next part of this lesson we will see in the next lecture. So till then, thank you very much. Keep learning. Happy learning. Thank you.